The Lallan Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. मैं बाद में दे दूँ. देखिए अब इनका शर्माने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है. क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए या उधारी का रिमाइंडर भेजिए और उधारी वापस लाए फटाफट. माथुर के पैसे आ गए. खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी. टीम हीरा को भागलपुर के केला किसान मिले. इनसे पूछा गया कि एनडीए और महागठबंधन की तरफ से जो नौकरियों के वादे किए गए हैं उन पर कितना एतबार है. तेजस्वी की बात आई तो एक बुजुर्ग लालू प्रसाद यादव के शासन के वक्त हुए भ्रष्टाचार पर नाराजगी जाहिर करने लगे. सुनिए. बिहार में चाहे नीतीश कुमार जी हों या तेजस्वी यादव हों, 10 लाख नौकरी नहीं दे पाएंगे. 10 लाख नहीं दे नहीं. तेजस्वी यादव फिर बोल रहे हैं कि पहले ही दस्तखत से इलेक्शन के लिए बोल रहे हैं, वोट हमको मिले, सरकार मेरी बने और कोई वोट मांगने के लिए बोल रहा है. वोट मांगने के लिए बोल रहा है. वोट मांगने के लिए जो बोलना है बोल ले. उसके बाप पहले लालू यादव ने स्कूटर पर भैंस बेचा है, ये आपको याद है, जानकारी है. क्या नाम है चाचा आपका? बिंदेश्वरी मंडल. बिंदेश्वरी जी, चारा घोटाले का जिक्र कर रहे हैं जिसमें दुमका, चाईबासा और भी कई ट्रेजरी से जो पैसा पशुधन के लिए, पशु चारे के लिए निकाला गया और जिन ट्रकों की एंट्री थी, जब उन नंबरों की जांच हुई तो कोई स्कूटर का निकला, कोई कुछ निकला, ये वही रेफरेंस दे रहे हैं बिंदेश्वरी जी. जी हाँ सही. और उसके बाप अब तक जेल में है. किस कारण से? जब हमारा वो सेवा करने के लिए तैयार था तो जेल क्यों गया? तो हमारा वो लूट के उसमें हमारा भी कुछ अंश होगा रुपया का. जितना रुपया उन्होंने तिजोरी से लिया, सरकार से लूटा, उसमें मेरा भी हिस्सा कुछ होगा कि नहीं? तो मेरे ऊपर जो कर्जा सरकार का गिरा या किसी का, क्या किया उन्होंने आज दिन तक? क्या किया? वो जेल में क्यों बंद है? उसका बेटा बोलता है कि हम ही कर देंगे. क्या करोगे तुम? तुम तो वही करोगे जो बाप किया है. बनने के बाद तुम लुटोगे. पटना में उनका सुनते हैं कि बहुत जगह जमीन है, कहाँ से उलाया? गाँव बेच के खरीदा है लालू यादव का. लालू बेटों का प्रताप का प्लेट है. इधर इधर आके बोलिए चाचा. नहीं, वो कहाँ से गेहूँ, हमारे तरह गेहूँ उपजा के वो खरीद के पटना में 10 जगह जमीन खरीद लिया है लालू यादव को जवाब देने का ही हमरे सामने में कि हाँ हम कैसे खरीदे हैं बोलेगा? आखिर उसमें जो ट्रेजरी लूटा या जो भी लूटा, हम लोगों का, बिहार का जितना भी जनता है सबका हक है, सबका वो चूर मतलब वो लिया, स्कूटर पर कैसे भैंस बेच दिया? लालू यादव हो या नीतीश, सबका वही प्लान है, एक ही स्थिति है. ये नाराजगी बताती है कि लालू प्रसाद यादव के 15 सालों के दौरान सत्ता पक्ष सत्ता के जिस नशे में चूर रहा उसने जनता के मन पर कितनी गहरी चोट की है. दोनों गठबंधनों के नौकरियों पर वादे को हवा हवाई बताने वाले टीम गंगा को भी मिले, वो भी हरनौत विधानसभा क्षेत्र में, माने वो जगह जहां से नीतीश कुमार ने पहला चुनाव लड़ा. जहां नए लड़के भी खड़े, नौजवान खड़े, जो एक बीजेपी का मैनिफेस्टो आया, पढ़ा और उन्होंने देखा सुना उसके बारे में, 19 लाख नौकरियां बोला है, 19 लाख टोटल को घुमा फिरा के. और तेजस्वी यादव बोल चुके हैं कि 10 लाख नौकरी देंगे, तो भरोसा किस पे कर पाओगे? दोनों में से किसी पे नहीं, ना तेजस्वी देंगे और ना ही मोदी जी देंगे. मोदी जी के तो अगर 5-6 साल से झूठ बोल रहे हैं नौकरी देंगे, 14 लाख रुपया देंगे, वो तो आ ही रहा है. तेजस्वी की बात है, वो भी नहीं देंगे, क्योंकि वो कहाँ से जनरेट करेंगे? सोर्स बताइए ना. आपके पास रेवेन्यू होगा तब ना आप जॉब देंगे. रेवेन्यू ही नहीं है. आप शराबबंदी कर दिए, रेवेन्यू चला गया, तो आप रेवेन्यू कहाँ से लाएंगे? बोल देना आसान चीज़ है 10 लाख नौकरी, लेकिन देना टफ है ना. 10 लाख नौकरी नहीं दे पाएंगे, वो झूठ है, वो चुनाव का है. किसी तरह भला फुसला के यूथ को अपने तरह कर लें. अभी के टाइम में सिनेरियो में कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जिसको हम वोट दे सके, है ना. सिर्फ और सिर्फ नोटा पे दे सकते हैं वोट कि हाँ हम नोटा देंगे. बाकी अगर यहीं का कैंडिडेट दीजिए, कोई नहीं. विधायक जी तो यहाँ के जो सिटिंग विधायक हैं वो आते नहीं हैं. बाकी जो विधायक हैं जिनको लोजपा से मिला है, वो पहले जेडीयू में थे, टिकट नहीं मिला तो लोजपा से ले लिया पैसा देके. कह रहे हो कुल मिला के कि जो नौकरियों का वादा किया है उसका रोड मैप नहीं बताया है कि कैसे देंगे, इसलिए विश्वास नहीं कर पा रहे हो, चाहे वो तेजस्वी हो चाहे वो एनडीए हो. अगर उन्होंने रास्ता बताया होता तो भरोसा कर पाते. रोड मैप दिखाते ना कि हम यहाँ यहाँ से जनरेट करेंगे. कहाँ का आपके पास बचा ही क्या है जो देंगे? आपके पास मिनरल्स है नहीं तो इंडस्ट्री लगेगी नहीं. बचा एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर को आप क्या कर रहे हैं? कभी कहीं ITI बना दे रहे हैं, कहीं हॉस्पिटल बना दे रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट. हाँ, कहाँ लगाएंगे ना. यहाँ का किसान का हालत इतना खराब है. यहाँ छोटा छोटा किसान है सर,
किसी के पास 8 कट्ठा जमीन है, किसी के पास बहुत तो बहुत 4 बीघा जमीन है, उससे ज़्यादा किसी के पास नहीं है। तो इतना छोटा में वो बेच के फ्रूट प्रोसेस करता ही नहीं है। प्रोसेसिंग करे तो हमारा स्टेट बहुत ऊपर चला जाए, वो प्रोसेस ही नहीं करता। वो क्या करेगा, पैक्स वाला आएगा, सबको एक साथ इकट्ठा करेगा, वो खरीद लेगा, तो प्रोसेस होगा कहाँ। यहाँ पे एक है, थोड़ा आगे जाएंगे तो ये कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ पे आते हैं कुछ साइंटिस्ट लोग हैं, लेकिन बात है यहाँ से बन के वो कोई और स्टेट में या अलग चला जाता है। अगर आप नालंदा को कंपेयर करेंगे रोहतास से, तो नालंदा में कुछ नहीं होता है, थोड़ा सब्जी होता है और कुछ नहीं। रोहतास में बहुत धान होता है। अगर आप गंगा के पार चले जाएंगे उस तरफ, वहाँ भी बहुत अच्छा खेती होता है, लेकिन वो बाढ़ से है। यहाँ सूखा बहुत है, 2 साल के बाद 3रा साल इस बार धान हुआ। आप पूछ लीजिए कि जो भी किसान होंगे, हम एक फैमिली से ही बिलोंग करते जो खेती ही करते हैं, तो इस बार अच्छा धान हुआ है सर। लेकिन बाय द वे अगर 8 से 10 दिन के अंदर बारिश हो गया, वो भी सड़ जाएगा, है ना, नेचुरल क्लाइमेटीज के कारण। मनुष्य ने घर बनाना सीखा ताकि वो कुदरत के प्रकोप से बचकर एक जगह रह सके, उसकी जिंदगी में ठहराव आए। हमारी टीम कोसी को दरभंगा के कुशेश्वर स्थान के वो लोग मिले जो साल में 6 महीने तक तटबंध पर रहने को मजबूर हैं, क्योंकि जो घर है वो महीन बाढ़ में डूबा रहता है। इस वक्त आपको स्क्रीन पर बहुत दूर एक कुछ धुंधला सा पेड़ों के झुरमुट में पानी के पार कुछ दिख रहा होगा। वो कुछ लोगों के लिए उनका घर है, उनकी तमाम जोड़ी हुई जितनी भी संपत्ति है वो उस जगह पर है जो बाढ़ में डूबी हुई है पिछले 5 महीने से। उस गांव का नाम है सुग्राइन। ये कुशेश्वर स्थान नाम की एक जगह है दरभंगा में, बिल्कुल सुदूर का इलाका, उसका एक गांव। और यहाँ जिस जगह पर हम खड़े हैं, ये है कमला बलान का पश्चिमी तटबंध। ये तटबंध के ऊपर जब गांव में पानी भर गया तो लोग यहाँ आ गए, सब कुछ तो दह गया, जो भी बचा वो लेकर अपने साथ इस तटबंध पर आ गए और पिछले 5 महीने से यहीं रह रहे हैं। यहीं इनकी दिन, यहीं इनकी रातें बीतती हैं। ये पीछे इनका घर, टेम्प्रोरी मकान, वहाँ क्या बचा है, क्या चला गया, ये सब उनसे पूछते हैं, जानते हैं कि क्या ये सिर्फ 2020 की बात थी, क्या सिर्फ इसी साल ऐसे बाढ़ आई और ऐसे अपने यहाँ से भाग कर आना पड़ा, या फिर ये हर साल की कहानी है। सुग्राइन की हैं आप? हाँ। क्या नाम है? हमारा तारा देवी। तारा देवी कब से रह रही हैं यहाँ? 5 महीना कहली, 3 महीना। 3 महीना, कुछ लोग 5, कुछ लोग 3 महीना। पानी घोर तो आया है, 5 महीना बीत गया दीदी, 5 महीना बीत गया, पानी घोर में ढुका तो 5 महीना बीत गया। पानी घर में घुसे 5 महीना बीत गया, यहाँ आए हुए 3 महीना हुआ। 5 महीना, 5 महीना से ही है। अच्छा अपना बतवे। अच्छा अच्छा, तो पानी आया फिर यहाँ कैसे पहुँची, क्या लेके आई, क्या बर्बाद हुआ वहाँ? दीदी बहुत बर्बाद, घोर मकान सब बर्बाद हुआ, गुलाव से आया खेत के छप्पर घोर सब। पक्का मकान था, कच्चा मकान था? कच्चा मकान है, फूस के घोर है, फूस का घर था। हाँ, पानी घुस गया, घुस गया। क्या हाँ, क्या लेके आ पाई अपने साथ? खाली समांगेट आया, अनाज पानी जो रहा से घोरे पर अपन दहा भसा करके कपड़ा लता। अच्छा, सामान में क्या सामान साथ लाई, कपड़ा लत्ता और क्या लेके आ? ओतबे सामान, थारी बर्तन ओतबे, और की हमारे घर में की दलित के घर में क्या होता है? घोर सब दहा गया, भैंस गया सभी के। अच्छा, तो मवेशी थे? हाँ मवेशी है। कितने मवेशी थे, ला पाई उनको? दो। क्या है, भैंस, गाय, बकरी? भैंस छे, बकरी छे, गाय छे। अच्छा, उनको साथ लेके आ पाई, वो सुरक्षित रहे? हाँ, बांध पर सुरक्षा छे, बांध पर सुरक्षित है, घर पर नहीं। कैसे बीत रहा है यहाँ पे जीवन, थोड़ा बताइए कैसे बीता है? कमाई कहाँ से आ रही है? कमाई कहाँ से आ रही है? बहुत दुख से चाहिए, दुख से चाहिए। मने कोई व्यवस्था नहीं रहे, तो आब कनी पानी कम भेल ने, तो आब गाँव घर जाइ छियै तो आटा पीसा के लाबै छियै, तो जरना बीच के लाबै छियै, तो खाइ छियै हमसब जरना जलावन सब बीच के। चलिए जाती हैं, जलावन बीच के लाती हैं, थोड़ा थोड़ा पानी घट रहा है तो जाती हैं, कुछ कुछ करती हैं, जीवन चल रहा है। हां वह बात, अतवे बात, कहीं से मदद आई, सहायता आई? नहीं, कोई सहायता नहीं, ऊपर से कुछ न कोई सरकार नहीं। गांव का मुखिया कहाँ है, कौन सी पंचायत में आता है आपका गांव? मुखिया सुग्रन। सुग्रन पंचायत, मुखिया कहाँ है? अरविंद मुखिया। कहाँ? अरविंद मुखिया खुद कहाँ पे हैं?
अभी समस्तीपुर में डेरा लिया है, डेरा समस्तीपुर में है। समस्तीपुर को चले गए मुखिया? हाँ समस्तीपुर चल गया, मका घर मकान बना लिया है, समस्तीपुर चला गया है। अच्छा। हाँ फलाड़ में एक बार नहीं आया देखने के लिए, कुछ यहाँ देखने के लिए ब्लॉक का वीडियो सीओ था रे, कुछ दो महीना हम लोग का खिचड़ी बाल बच्चा के खिलाया है। घुटना कंधा या कमर चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर अर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।